और किसी संस्थान के लक्ष्य को कैसे पूरा करना है इसकी शिक्षा मुंबई में कॉरपोरेट घरानों के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस मौके पर डॉक्टर स्कॉट सिमरमैन ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में करीब 150 अधिकारियों को मनोरंजक ढंग से ये बातें बताई। बड़े संस्थानों में काम करने वाले अधिकारी कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। टीम में काबिलियत होती है लेकिन चुनाव गलत हो जाता है जिससे वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। यही सिखाने की कोशिश में जुटे हैं डॉक्टर स्कॉट। डॉक्टर स्कॉट ने इसके लिए जरिया बनाया है खेल को। The game that's about collaboration, but teams choose to compete. So we can get at a very interesting dynamic. I also share cartoons called square wheels, which would be a wagon, wooden wagon, rolling on square wheels with a cargo of round rubber tires. आपके resources हैं कि आप उनको सही use कर रहे हो, जिसको वो कहते हैं square wheel. कहीं आप एक square wheel तो अपनी गाड़ी को नहीं लगा रहे कि जिससे आप धक्का लगाते हैं, extra effort करते हैं और हर बार गाड़ी धचक धचक करके आगे चलती है। इस एक दिन के वर्कशॉप में डॉक्टर स्कॉट कई चीजों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन कॉर्पोरेट जगत के लोगों को सीमित साधनों, कम समय और कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट तैयार करना हो तो क्या करें, ये सब इतनी आसानी से खेल के जरिए बता दिया जाता है कि सबको आसानी से याद हो जाता है। यहाँ आए लोगों को भी ये सब पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हुआ, हमने बहुत सीखा यहाँ पे आके और हमने देखा कि बहुत लोग बहुत खुल के इंटरेक्ट कर रहे थे। एवरीबडी वाज ओपन टू द सब्जेक्ट और उनका ट्रेनिंग का मेथड बहुत अच्छा था। सबसे बढ़िया बात ये था कि इसमें गेम खेल के लर्निंग किया गया, तो उसमें रजिस्टर ज़्यादा होता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है, बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन में ग्राहक को किस तरह डील किया जाए और टॉप मैनेजमेंट अपने कलीग्स और जूनियर से कैसा व्यवहार रखे, ये सब यहाँ एक साथ सिखाया जा रहा है। समय के लिए मुंबई से एहतराम अली।